हेलो गाइस, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल का लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं ट्रिपल रोल में कुछ इस तरह के वीडियो अपलोड किया गया है जो टिकटॉक पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस तरह के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। तो आपको करना क्या है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन से काइन मास्टर एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको डाउनलोड कर लेना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9x16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पर आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। तो मैं आपको एक से दो बार वीडियो को प्ले कर दिखा दूंगा वीडियो को आपको शूट कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है वीडियो हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सिंपल आपको ध्यान क्या रखना, जब भी वीडियो शूट करेंगे तो आपको जो ऊपर की तरफ जो स्काई दिख रहा है बादल, वो आपको दिखना चाहिए 50% पर, तभी आप इस तरह के प्रोफेशनल वीडियो बना सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड को पार्ट जो एक्स्ट्रा आइटम टू लिफ्ट कर देंगे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से शूट करना है। सिंपल अपने हाथ में दो शॉट या फिर दो जैकेट रख लेना है, कुछ इस तरह से आपको आगे की तरफ आना है, फिर से आपको पीछे की तरफ आ जाना है और कुर्सी पे आपको कुछ इस तरह से बैठ जाना है। ध्यान से देखिए, कुर्सी पे बैठ जाना है और एक शॉट को आपको लेफ्ट साइड फेंकना है, कुछ इस तरह से एक शॉट को देखना है, फेंकना है राइट साइड का, और इसके बाद कुछ इस तरह से उठ जाना है और कुछ आगे की तरफ आपको हो जाना है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट पार्ट का वीडियो यहाँ पर शूट हो चुका है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैची के निशान पे क्लिक करेंगे और स्पीड टू प्ले हिट कर देना है। तो सिंपल मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ फर्स्ट पार्ट का वीडियो आपको किस प्रकार शूट करना है। सिंपल कुछ इस आगे की तरफ आए, फिर से हमें वही शॉट को या जैकेट जो भी आपके हाथ में पीछे की तरफ आना है और कुछ इस तरह से लेफ्ट साइड और राइट साइड कुछ इस तरह से फेंक देना है और ऊपर की तरफ आपको देखना है लेफ्ट साइड और राइट साइड और कुछ इस तरह से आगे की तरफ हो जाना है। तो आपका फर्स्ट पार्ट का वीडियो यहाँ पर शूट हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड पार्ट का वीडियो शूट करना है। हम लेफ्ट साइड की तरफ जो हमने शॉट को फेंके हैं कुछ इस तरह से, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड आपको आ जाना है वहाँ से उठकर, और इसके बाद वही जो शॉट आपने फेंके तो उस शॉट को आपको पहन लेना है कुछ इस तरह से। ठीक है, इसके बाद शॉट को पहनने के बाद कुछ इस तरह से नीचे की तरफ आपको बैठ जाना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं मैंने शॉट को यहाँ पर पहन लिया। पहन लेने के बाद कुछ इस तरह से उसी पोज में आपको वहीं पर जहाँ पर आपने शॉट फेंके थे कुछ इस तरह से बैठ जाना है। इसके बाद वहीं से आपको कुछ इस तरह से खड़ा हो जाना है और इसके बाद कुछ आगे की तरफ आपको चल जाना है। आपको ध्यान रखना है जहाँ पर आपको सेंटर में नहीं आना है, लेफ्ट साइड में ही आपको आना है, क्योंकि अगर सेंटर में आ जाइएगा तो आपका फर्स्ट वाले जो वीडियो आपने शूट किया तो उसके बीच में आ जाएंगे, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो आपको देखना है कहाँ से हम उठने का स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से हम उठने का स्टार्ट करते हैं। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैची के निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। सिंपल आपको सेकेंड पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से ही शूट करना है। सिंपल यहाँ से हमें स्टार्ट कर रहे हैं उठने का। सिंपल इसके बाद कुछ इस तरह से आपको आगे की तरफ आ जाना है। ठीक है, आपको देखना है वीडियो कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो आपको यहाँ पे भी 14 से 15 सेकेंड तक वीडियो शूट करना है, यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म हो रहा है। ठीक है, इसे हम स्पीड टू प्ले हिट कर देंगे। इसके बाद वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट एस लेयर ले लेंगे, इस वीडियो पे प्रेस करेंगे कुछ इस तरह से, यहाँ तक एडजस्ट कर देना है। आपको ये वीडियो कहाँ तक लेकर आना है मैं बताता हूँ, आगे की तरफ की जैसे हम शॉर्ट फेंकते हैं नीचे की तरफ, ठीक है, जहाँ तक देखो जैसे यहाँ आया इस पोजिशन में आपको यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन पे करना है और इधर से आपको लेफ्ट साइड को सेलेक्ट कर लेना है और कुछ इस तरह से एडजस्ट यहाँ पे कर देना है। ठीक है, इसके बाद डन करते हैं। तो आपका सेकेंड पार्ट का वीडियो जैसे ही आप देख सकते हैं शॉर्ट फेंके कुछ इस तरह से आप खड़ा हो चुके हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट का वीडियो शूट हो चुका है। इसके बाद हम आते हैं थर्ड पार्ट पर। ठीक है, थर्ड पार्ट का वीडियो आपको कैसे शूट करना है मैं बताता हूँ। सिंपल से शॉर्ट वही लिए, वही शॉर्ट पहनना, आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैची के निशान पर क्लिक करेंगे और इसे हम ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। अब हमें राइट साइड तक चले आना है। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको खड़ा हो जाना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, आप देख सकते हैं मैं यहाँ से खड़ा रहना स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा ट्रिम टू लेफ्ट करेंगे। ठीक है, आप देखना यहाँ से मैं स्टार्ट हो रहा हूँ। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट एस लेयर ले लेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर प्रेस करके रखना है, लास्ट पॉइंट पर आपको लेकर आ जाना है कुछ इस तरह से। ठीक है, सेकेंड पार्ट का वीडियो आपको कहाँ लेके आना है थर्ड पार्ट तक मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, देख सकते हैं इस पार जो पोजीशन में आपको लेकर आ रहा है, जहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं शॉट यहाँ पे फेंकता हूँ, सेकेंड में दिखाता हूँ मैं आपको, काफ़ी ध्यान से यहाँ देखना है, फर्स्ट फेंके सेकेंड फेंका। ठीक है, जैसे नीचे गिरा इस पोजीशन में आना, इस पोजीशन में आपको यहाँ पर लेकर आना है, यहाँ पर आपको साफ काफ़ी ध्यान से एडजस्ट करना है। ठीक है, वीडियो पर क्लिक करेंगे, स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन करना और इस टाइम इस तरह से आपको कर देना है। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। ठीक है, आपको यहाँ तक आना है लास्ट पॉइंट पर और यहाँ पर आपका वीडियो खत्म हो रहा है। ठीक है, इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट का ट्रिम टू राइट कर देते हैं। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, इस वीडियो का हमारा कोई काम है नहीं, उसे हम डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं जैसे ही वीडियो हम प्ले करते हैं
जैसे हम कुछ इस तरह से फेंके, यहाँ पे खड़ा हो गया कुछ इस तरह से यहाँ पर, बस आपको वीडियो जो शूट करना है देख सकते हैं, राइट लेफ्ट साइड या फिर राइट से तो हल्का हल्का कट रहा है, तो आपको यहाँ पे काफ़ी ध्यान से आपको एडिट करना है। बस सिंपल स्क्रीन पे आना है और जो हम यहाँ पे क्रॉप किए थे आपको एडजस्ट आपको काफ़ी ध्यान से यहाँ पे करना है, ठीक है। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, सिंपल साउंड को सेलेक्ट करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है, स्ट्राइक ऑडियो कर देना है। देख सकते हैं जैसे ही ऑडियो क्लिक किए हैं तो ऑडियो हमारा बाहर आ चुका है, वीडियो पे क्लिक करेंगे डिलीट करेंगे, ठीक है। हमारा साउंड भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसके बाद देख सकते हैं हमारा साउंड जो एक्स्ट्रा लग रहा है, यदि एक्स्ट्रा साउंड कुछ है तो आपको स्टार्टिंग का कुछ पार्ट आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। सेटिंग पे आना है, ऑडियो फेड आउट ऑफ करना है, शेयर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। फिर से आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है, प्16 के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट करना है, मीडिया पे आना है, एक्सपोर्ट किए गए वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक PNG का लिंक दे चुका हूँ स्काई का, तो सिंपल आपको सेलेक्ट करना है या फिर डायरेक्ट गूगल से डाउनलोड कर लेना है। इसे आपको कुछ इस तरह से जूम करना है और आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। ब्लेंडिंग पे आना है और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है, आपको देख लेना है क्या इसमें सेट हो रहा है, तो आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डन करना है, कुछ इस तरह से आपको फुल साइज में कर देना है। फिर से आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक सूरज का PNG का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको इसे सेलेक्ट करना है, कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ आपको एडजस्ट कर देना है, इसे आपको कुछ फुल साइज कर देना है। फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। का PNG डाउनलोड कर रखा हो गूगल से, आपको भी कुछ इस तरह से डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद सिंपल आगे की तरफ करेंगे, इसे आपको सबसे पहले फुल साइज कर लेना है और इसके बाद की पे क्लिक करेंगे और लास्ट पॉइंट पे आपको आ जाना है। इसे आपको कुछ प्रेस करना है, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। अब देख सकते हैं जब आप वीडियो प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को आपको मिल जाएंगे। सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ऑडियो फेड आउट ऑफ करना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है।